तो जिधर हम लोग खाने लगे हैं करेले और पराठे का नाश्ता होने लगा है। कहते हैं जी करेले बड़े कड़वे ने, मैं कह लिया दो मैनू मैं खानी हाँ कड़वे ने। तो जी ये खाने लगे हैं आप। YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब लोग जी, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुश खुश होंगे। तो जी हम लोग आ चुके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की धरती में। तो जी इधर हमारा आज चौथा के पांचवा पता नहीं कौन सा दिन है, कुछ समझ नहीं आ रही। बस सो सो के जो है ना वो गुजारा हो रहा है, थकते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो गर्मी जी बहुत ज़्यादा, जो हद नालों ज़्यादा गर्मी जी। तो जी है कमरे का हाल ही, लोग लेने की कोशिश करते हैं, लोग थोड़ी सी चीज़ें लेते हैं, लेकिन कमरे के ख़त्म होने का नाम कोई नहीं ले रहा। मैं जी तो पाँच दिन से कपड़े समेटने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि समेटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो बस कुछ समेटती हूँ, कुछ खिलाड़े डाल देती हूँ, थोड़ा काड़ काड़ नहीं है, थोड़े खिलाड़े पै जाते हैं। वो मेरी अम्मी कह रहे थे सब जिन्ना तो चुक रही हूँ उन्हें तो खिलाड़ा पा देनी है। तो बस जी ऐसे ही चल रहा है। जो नए कपड़े पहनने वाले मैंने अभी पीछे रखे हैं, क्योंकि ये बहुत गर्मी है, गर्मी के मौसम में तो इन कपड़ों को देख के ना तो दिल में खुश होता है। इस तरह के लूज टी शर्ट और ट्राउजर में जो है ना जितना जितना कंफर्ट मिलता है ना उतना किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो मैंने ये प्रेफर किया है कि यही पहना जाए। तो कुछ कपड़े हैं इनको मैं इधर रखती हूँ। ये जो सारे कपड़े जो है ना मैं हॉलैंड से लेके आई हूँ, क्योंकि उधर जो है ना कभी भी मुझे कोई मौका कोई चांस नहीं मिला कपड़े पहनने का। तो अब जो है ना मैं पाकिस्तान आऊँगी ना तो मैं पहनूंगी, ये भी मैं हॉलैंड से लेके आई हूँ तो ये मैं पहनूंगी। ये वाला ड्रेस बड़ा प्यारा है तुम्हारा, कहाँ चली जाता भला ये? ये मैं कह रही थी अंदर वाली भी पहनूँगी हरे रंग के साथ। हाँ ग्रीन दुपट्टा चल सकता साथ, तुम भी पहनना। हाँ मेरा भी इतना कैसे पूरा पूरा से लिया था अनुखा पूरा पूरा भी माल में है। आज कल तुम्हारी सालगिरह है ना? हाँ। किधर करनी है? अभी तो साल कुछ भी नहीं हुआ। चौदह अगस्त पे क्या क्या बनाएंगे? चौदह अगस्त पे हैं मेरी अम्मी के साथ बात हुई थी, हम लोग बनाएंगे बिरयानी का सोचा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, फिर फैमिली आ रही हैं दो तीन, तो बिरयानी कोरमा और साथ बिरयानी मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी मटन और कोरमा मटन या लैम कोरमा बना लेंगे और साथ ही क्या बनाएंगे, साथ ट्राइफल हो जाएगा फिर डिजर्ट में और साथ 14 अगस्त का केक होगा और छोटी मोटी दही फुल्कियाँ इस तरह जो भी है ना दही बड़े। तो पकते हिसाब ना मेन्यू चेंज भी हो सकता है। मैंगो मैंने काटे हैं पीस और ये सुना रही ये क्या अम्मी की है पापा की अम्मी की कदर जिन्ना जब हम पाकिस्तान आइए सच सच बताना गिन के कितने आम खाए हैं। गिन के ना एक दिन मैंने सात खाए थे, अस्तगफिरुल्लाह झूठी एक दिन में, और दूसरे दिनों में मैं दो दो खा रही हूँ। तो एक दिन में सात, एक दिन में जो खाए थे ना वो सात, अभी मैं खाने लगी हूँ। अभी मैंने कहा इनको मैं काट के ना चमचों के खाते हैं, फिर मैं बैठ के हाथ के साथ खाऊंगी। भाई अम्ब होए तो ज़्यादा होए, नहीं तो ना होए। बैंगल्स कितने
नहीं दो पैकेट के थे ना 640। आफी जी। पापा जो है ना सुबह से आए हुए थे, पापा यानी कि मेरे ससुर, तो वो हमारी तरफ ही थे आज। तो आज हमने उनके साथ बाहर जाना था, तो फिर बाहर जाने से पहले हम खाना खाने के लिए हम लोग निकले थे, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी। लेकिन उससे पहले सोचा है कि जी पापा के जो मेरे इन लास्ट का घर है ना, उधर थोड़ा विजिट कर आते हैं, बच्चों को दिखा लाते हैं, क्योंकि बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उन्होंने अभी देखा शिखा कोई नहीं है। तो हम लोग जी मामा पापा के घर की तरफ अब जा रहे हैं। Thank you.
तो अब देखिए इसको कैसे आस्ता आस्ता, बहुत हालत खराब हुई है। दादा उसके लड़के शादी पे ना मुझे फूल मिले थे तब के हमने उठाए नहीं, मैं 7 साल हो गए शादी को लेकिन फूल गया ना इधर ही अभी तक। इस गाड़ी में 6 साल के बाद आई बेटा, इधर फिर से आ जाओ आ जाओ। ये जो रूम है ये मेरी सास का है, देखिए गंद बहुत है, ये किसी ने बाहर से ना मिले नहीं मिले शीशा भी ना तोड़ दिया। बच्चे कह रहे हैं कि जी दादी का घर जो है ना प्यारा है, बाहर से बहुत प्यारा है लेकिन अंदर से ना बहुत गंदा है। को मारिया बहुत ज्यादा गंदा घर है, कोई ना इनू कोई 2 हफ्ते चाहिए ने सफाई वास्ते। Ha ha ha!